हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर इक्वेशंस। बेसिकली वेक्टर इक्वेशंस क्या होती है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके अलावा कुछ और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वेक्टर इक्वेशंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं वेक्टर इन Rn। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं, वेक्टर हमारे पास एक सेट, एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज होती हैं, इस जैसे x1 x2 डॉट डॉट xn। अगर ये n×1 का मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास एक वेक्टर होता है। रिकॉल दैट अ कॉलम वेक्टर इन Rn इज अ n×1 मैट्रिक्स। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल ड्रॉप द कॉलम डिस्क्राइब डिस्क्रिप्टर एंड सिंपली यूज द वर्ड वेक्टर। यानी हम कॉलम यूज ना करके, कॉलम वेक्टर यूज ना करके इसको वेक्टर यूज करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू एम्फेसाइज दैट द वेक्टर इन Rn इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ एन नंबर्स। बेसिकली वही जो हमने बताया था कि x1 से xn तक एन नंबर्स की लिस्ट होती है। तो यहाँ पे जैसे अगर 2×2 में हम मैट्रिक्स की बात, 2×1 में बात करें तो ये R2 यानी R² में ये हमारे पास मैट्रिक्स है। R3 में 3 एलिमेंट्स होंगे तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास। इधर से R6 में ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये वेक्टर है हमारे पास R6 में। वी कैन ऐड, अब कुछ प्रॉपर्टीज जो कि वेक्टर्स पे हमारे पास अप्लाई होती है। वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट वेक्टर एंड मल्टीप्लाई वेक्टर बाय नंबर्स और स्केलर। यानी हम वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें हम 0+0 ये वेक्टर एंड ये वेक्टर, दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो जो करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं, जैसे 0 से 4 ऐड हो जाएगा, -5 से -3 ऐड हो जाएगा, 9 से 0 ऐड हो जाएगा, 2 से 1 ऐड हो जाएगा, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इस तरह से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका मतलब सारे एंट्री से मल्टीप्लाई हुआ। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, 3 का यहाँ, 3 का यहाँ, तो ये 3 -9 एंड 15। और साथ में हम ये ऑपरेशन भी लगा सकते हैं कि लीनियर की प्रॉपर्टी, यानी कि मैट्रिक्स किसी स्केलर से मल्टीप्लीकेशन एंड ऐड, तो ये भी कर सकते हैं। और ऐड कर, जैसे पहले मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये टर्म आ चुकी है। 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई किया इधर तो ये आ गया, और दोनों को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिन पे हम वेक्टर्स के साथ खेल सकते हैं। अब हमारे पास राइट द जनरल सॉल्यूशन इन वेक्टर फॉर्म ऑफ द लीनियर सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, तो इसका हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है इन अ वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म। तो पहले हम वेक्टर देखते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, x1 x2 x3 x4 x5, और ये जो होता है, ये जो लास्ट का कॉलम जो होता है फ्रेंड्स, ये कॉलम जो होता है हमारे पास, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि जो बी वाली टर्म्स है वो कहलाता है हमारे पास। तो द नंबर ऑफ अननोन्स जो 5 है एंड द एसोसिएट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए हैज रैंक, जो है इसकी अगर रैंक देखें इसकी, तो रो कितनी नॉन जीरो है, इसमें 3 नॉन जीरो रो है, तो इसकी रैंक जो है 3। तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। दस द सॉल्यूशन सॉल्यूशन सेट इज पैरामीटराइज्ड बाय d=n-2। डी बराबर सॉल्यूशन सेट इज पर d=n-2, यानी कि दो हमारे पास n-r, यानी n जो टोटल नंबर्स हैं वो माइनस r रैंक, तो दो जो है वो पैरामीटर्स होंगे जिन पे हमारे पास वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर्बिट्री वैल्यू देगा। तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास पता चला है। अब देखें, अगर इसको हम जनरल फॉर्म में, ओपन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते थे x1 -7 x2 +2 x3 -5 x4 +8 x5 = 10। इस तरह से नीचे की जो आएगी वो आ जाएगी माइनस यहाँ पे 3 x3 + 3 x4 + 1 = -5, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x4 + x5 बराबर
एक्स फोर माइनस एक्स फाइव, यहाँ पे माइनस आएगा फ्रेंड्स, एक्स फोर माइनस एक्स फाइव बराबर फोर। तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशंस बनेंगी। अब हमने सपोज कर लिया कि एक्स थ्री बराबर टी वन है, सॉरी एक्स फाइव बराबर टी वन है, तो यहाँ से एक्स फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से फोर माइ फोर प्लस टी, तो ये आ जाएगी। अब हमने क्योंकि अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोई एक्स थ्री की वैल्यू कोई वैल्यू दे नहीं रही है हमारे पास, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू कुछ एज्यूम करनी पड़ेगी, कि हमारे पास एक आर्बिट्री वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू एक्स थ्री की वैल्यू टी टू है, तो एक्स थ्री की वैल्यू टी टू है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जब हम इन इक्वेशन में एक्स एक्स क्योंकि एक्स फोर एंड एक्स फाइव की वैल्यू नोन है हमारे पास, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और एक्स थ्री की वैल्यू हमने टी टू वैल्यू पुट कर ली, तो यहाँ पे हमारे पास जो अगर इसमें देखें तो इसी में इक्वेशन में एक्स थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स फोर की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे एक्स फाइव की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी, जो कि आएगी माइनस सेवनटीन माइनस फोर्टी वन प्लस थर्टी टू। फिर ये सारी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी। वेयर टी वन एंड टी टू आर आर्बिट्री रियल नंबर्स, यानी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। द सॉल्यूशन इन वेक्टर फॉर्म, देयर फोर टेक द फॉर्म, सॉल्यूशन जो होता है वेक्टर फॉर्म में वो किस फॉर्म में लिया जा सकता है, वो लिया जा सकता है हमारे पास बेसिकली एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू, ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर फाइव है, तो इसको ले सकते हैं हम। ये जैसे इसको हम एक्स वन बराबर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हमको इनको ऐड करके भी लिख सकते हैं, तो ऐड करके ऐड करने की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अब जो हम बेसिकली बैक इंटरप्रिटेशन जा रहे हैं, तो अलग टर्म में जो कॉन्स्टेंट वाले टर्म में कॉन्स्टेंट वाले कोफिशियंट पे, तो ये हुई माइनस एट्टीन माइनस सेवनटीन और ये जीरो फोर जीरो। क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट फोर है तो फोर, बाकी टर्म जीरो आई है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें टी वन के कोफिशियंट माइनस थर्टी वन माइनस फोर, और यहाँ पे टी वन के कोफिशियंट नहीं है तो जीरो, और यहाँ पे वन है तो वन एंड इधर नीचे वन, इस तरह से यहाँ पे देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास नाइनटीन थ्री वन जीरो एंड जीरो। तो ये हमारे पास इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में इसका आर्बिट्री सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन लीनियर एल्जेब्रा इज सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन फॉर एन अननोन वेक्टर। एज एन एग्जांपल सपोज दैट यू आर गिवन द वेक्टर, हमारे पास ये गिवन है वी वन एंड वी टू, और बी बराबर ये गिवन है, एंड आस्क टू फाइंड नंबर एक्स वन एंड एक्स टू सच दैट एक्स वन वी वन प्लस एक्स टू वी टू इक्वल टू बी। इस तरह से ऐसे नंबर्स पाने के लिए हमें निकाला पूछा गया है, और सपोज कि हमारे पास ऐसे नंबर मिल जाते हैं, मिल जाने के मतलब इसको निकालने का सीधा ये तरीका है, फोर एक्स वन ये यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए और इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो इक्वेशन बनेंगे, तीन इक्वेशन बनेंगे जिसमें से हमें दो वेरिएबल निकालने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स वन बराबर माइनस टू एंड एक्स टू बराबर थ्री, ये हमारे पास वेरिएबल निकल आते हैं, और तब उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि माइनस टू फोर माइनस एट फोर माइनस एट, इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म है हमारे पास, तो उस कंडीशन में जो वेक्टर बी जो है वो, यानी बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो कहलाता है, द वेक्टर बी इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी वन एंड बी टू, तो यहाँ से एक डेफिनेशन क्रिएट होती है, लेट बी वन बी टू डॉट डॉट बी पी बी वेक्टर इन आर एन, ये आर एन में कोई वेक्टर है, अ वेक्टर बी इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर बी वन बी टू डॉट डॉट बी पी। कोई भी वेक्टर बी जो है वो लीनियर सब कॉम्बिनेशन कहलाएगा बी वन बी टू बी पी का, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स पी सच दैट एक्स वन बी वन प्लस एक्स टू बी टू प्लस डॉट डॉट एक्स पी वी पी इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन कहीं पे होल्ड कर रही हो तो हमारे पास हम कहते हैं कि जो बी वेक्टर है वो बी वन बी टू डॉट डॉट वी पी का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। जैसे हम नीचे एग्जाम्पल में ले रहे हैं द स्केलर इन, और जो स्केलर होते हैं यानी एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स पी जो स्केलर्स हैं वो कहलाते हैं हमारे पास कोफिशेंट्स, कॉम्बिनेशन के जो कोफिशेंट है वो कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोज बी वन बराबर ये है, बी टू ये है, बी थ्री ये है एंड बी ये है, तो हमारे पास अगर ये हमारे पास अगर करके देखें थ्री बी वन प्लस फोर बी टू माइनस थ्री बी बी वन बराबर ये बी आ जाएगा। तो इसको पहले बेसिकली सॉल्व कैसे करना है, वही इसी तरह से कि एक्स और ये यहाँ पे वन माइनस टू एंड थ्री प्लस और ये वाई और ये वी वी टू वैक्टर्स एंड जेड वी थ्री वैक्टर, तो थ्री इक्वेशंस बनेंगे, थ्री इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम इक्वेलेंट फॉर्म में जैसे पहले सॉल्व किया था इस तरह से, और वहाँ से वी वन वी टू सॉरी एक्स वन एक्स एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यूज आ जाती है हमारे पास। तो ये तो है कोफिशेंट
और ये हमारे पास वेक्टर।